संग संगीत गीत के गावा जोर संग संगीत गीत के गावा जोर स्वागत बा महुआ चैनल के सेमीफाइनल बिरहा दंगल में जौने कार्यक्रम करे हुआ सबका हिला के बा सिपाही के बा चोर केकरा में बा केतना जोर अपन माटी अपन बल रुआ सब देख रहल बानी बिरहा दंगल टू तो आज हम फिर रुआ सबके बीच में हाजिर बानी नया जोश नया जुनून के साथ नए कलाकारन के साथ नई आवाज के साथ रुआ सभे का आशीर्वाद मिल रहल बा। हमार कलाकार लोग भी एकदम कमर कस ले ले बा। जज साहब लोग भी कमर कस के बैठल बान। खास तौर से एक तरफ बागी घराना दूसरी तरफ विद्रोही घराना दोनों घराना से केहू हिले के तैयार नहीं थे। रुआ सब भी हिले के तैयार नहीं थी। हमारा पता बा तैयारी कार्यक्रम के शुरू कर जा। एक पहले हम अपना जज साहब लोगन का परिचय करवाई। पहले घराना विद्रोही घराना के सरदार हैं रही 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 सुरेंद्र जी। जब दुश्मन आगे पड़ जालम ये हमार विद्रोही घराना चढ़ जालम। बागी घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान बानी हमनी के आदर्श और सुंदर गायक श्री परशुराम यादव जी। छाती में दहकत आगी हो ई हमार घराना बागी हो। दोनों घराना के जोश और दोनों घराना के जज्बा रुआ सब देख रहल बानी। लेकिन बीच में हमार दुगो जज साहब लग बाड़न एगो निष्पक्ष की भूमिका निभा रहल बाड़न आ एगो जज साहब रुआ सबके मांग पर बिरहा खातिर बिरहा के सपोर्ट खातिर बुलावल गेल बानी। यहाँ मशहूर लोक गीत गायक और विधान परिषद के सदस्य श्री काशीनाथ यादव जी। बाहरे भोजपुरी भाषा आ बाहरे ए माटी का गीत बिरहा राम जी जन्मलन अयोध्या में खेललन बक्सर में ब्याह कैलन जनकपुर में त राम या सीता जब बोलत हुई हन त भोजपुरी में आ मन करी गावत हुई हन त बिरहा। बुद्ध जी महावीर जैन कबीर तुलसी सुपच संत रविदास गोरखनाथ आदि आदि अपनी माध्यम से इंसानियत का झंडा बरकरार कैलन दुनिया में फहरौलन दुनिया में आजो फहरत बाब पैदा भैलन भोजपुरी की क्षेत्र में अगौले रहलन बिरहा। यहाँ तक ले कि बिरहा के आदि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु जद्दू गुरु रमन गुरु लगन बहुत बड़ कवि भोला कवि चंद्रिका कवि पैदा भैलन भोजपुरी क्षेत्र में आ लिखले रहलन बिरहा। यहाँ तक ले कि रामदेव बुल्लू हीरा बिरहा का सम्राट गायक ये चारों जज लोग आ विजय लाल जी खुद में तू आ हम अजवन श्रोतागण सुनत बाणन सब पैदा भइल बा भोजपुरी क्षेत्र में अगावेला बिरहा। तो हमार आपका ढेर जिम्मेदारी बढ़ जात बा कि हम सब लोग मिलके ए भोजपुरी भाषा के आ ए बिरहा के कई गुना मेहनत करके अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रसारित करे का काम कही जाए। जहा 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 ई बानी एमएलसी साहब श्री काशीनाथ यादव विधान परिषद का सदस्य बानी लेकिन फिर भी बिरहा का जुनून न दिल से निकलल बा न दिमाग से निकलल बा। और चौथा जज साहब हमार प्यारे लाल कवि जी हम अपनी नजर से रउआ के प्यार भेजतानी अपनी जुबान से बिरहा दंगल का उपहार भेजतानी न कार्ड न गिफ्ट न पोस्ट न ईमेल से हम तो रउआ के दिल से नमस्कार भेजतानी। तो ई हमार जज साहब लोग बानी रउआ सबे भी तैयार बानी कि परिचय हो गईल अब ई पता कईल जाओ कि कौन घराना से के कलाकार आज ये मंच पर एकदम चौकी तोड़ मुकाबला करे के तैयार बा। तो सबसे पहले हम बागी घराना के सरदार जज के कुर्सी पर विराजमान श्री परशुराम जी से जानल चाहतानी कि रउआ अपना घराना से के ये मंच पर भेज रहल बानी
लोगन के दिल पर राज करे खातिर और बिरहा गा के सबके मंत्र मुग्ध करे खातिर। बागी घराना की ओर से आज कलाकार पंचदेव पांडे जी अपनी कला का प्रस्तुति करी हन। बागी घराना से भेजल गेल बाड़े रउआ सबके सुनावे खातिर, रिझावे खातिर, झुमावे खातिर, नचावे खातिर अपने बिरहा के माध्यम से। विद्रोही घराना के सरदार से हम पूछल चाहत बानी, अरे ओह ओह रे वाह, रउआ केकरा के भेज रहल बानी? हमारी विद्रोही घराना से नीलम सिंह जी यहाँ गावे खातिर गाना, आप बागी घराना के चबवा दिहा चाना। हमार दोनों कलाकार लोग मंच पर आ गए बा, रउआ सबे सोचत हो खब कि जल्दी से जल्दी बिरहा शुरू होखो। तो अब हम जानल चाहतानी श्री काशीनाथ यादव MLC साहब से, रउआ बताई कि केकर बिरहा पहले शुरू कइल जाओ? हम चाहतानी कि आज सब जज लोगन का विचार करके ये फैसला भी बाद कि नीलम सिंह पहले बिरहा शुरू करी हन। पहले नीलम सिंह बिरहा शुरू करी हन। प्यारे लाल जी, अब रउआ ये बताई कवन रस? खुशी के माहौल में खुशी का जरूरत बा, आ खुशी के लिए हंसी का जरूरत बा हास्य रस। शुरू होखो इकरा पहले लेबे के पड़ी छोटी मुखी ब्रेक। महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल टू में लाल पियर मुंह लेके सोझा बड़ुए खाड़ रे, लाल पियर मुंह लेके सोझा बड़ुए खाड़ रे, चीन हाथ नहीं खोलते वर होती, चीन हाथ नहीं खोलते वर होती, हौवे भतार रे छीन हाथ नहीं खाए देवर हाथी, हौवे भतार रे छीन हाथ नहीं खाए। हाँ, तो मैं सबसे पहले आज के इस एपिसोड में जो हमारे सामने हमारे जज साहब लोग बैठे हैं, मैं सबको एक स्वर से नमस्कार प्रणाम करती हूँ। साथ साथ में इस महुआ चैनल के माध्यम से जो टीवी पे दर्शक भाई लोग देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार प्रणाम करती हूं। और मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से, इस टीम की ओर से मैं सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूं। कि नेहा नयनन से नगमा नहाने लगा तो कंज कोटि कला काम केति समाला, तो समागम के साया में माया के उलझा, तो सुलझा न सृष्टि के सुध बुध हेराला, तो लीला से लाखों लसे लीला धारी, अनारी बने लीला कर डमरुवाला। एक लाइन कवाली के अंदाज है, कैसे मास्टर? वह कवाली है कि अरे उल्फत में, कि उल्फत में सर जमी है ये सारे जहान का, उल्फत में सर जमी है ये सारे, लेकिन गाना के अंदर कवि जी भाव कितना सुंदर लिखलन, का लिखलन? अरे गागर में बंद, कि गागर में बंद हो गया सागर विधान का, गागर में बंद हो, गागर में बंद हो गया सागर विधान का।
गया फत तूफान का, माँ के सर पे था। आए बाबू, एक दिन माँ पार्वती जी अपने स्वामी जी से बतावत थी भोलेनाथ जी से काव कहली। एक दिन उमा जी सिंह से मुस्कान भर के बोली, अधूरों के अरणिमा से है राज दिल की खोली। लागी है दिल में ललसा पीरतम ललक हमारी, मृत लोक घूमने को तब करिए तुम तैयारी। आए बाबू, कली माँ पार्वती जी की है स्वामी जी, बड़ी हमार मन करता मृत लोक घूमे के, कलन कि तू यही तरह हर नठ जालू कहीं भी चले खाती। कलन कि ना हम चलब, आखिरकार मनली ना, शंकर जी लिया के चल देलन। जब मृत लोक में आयल हुए तो माँ पार्वती जी कली कि है स्वामी जी, अब ऐसे हमहन के वेशभूषा में रहे में बहुत बेकार हुई। आखिरकार उसी जंगल के बीच में रूप को बदल लेते हैं, शंकर जी चाक बनले, माँ पार्वती जी चकई। आज जब चकई चाक के रूप धैले हुए, वही बीच में माँ पार्वती जी कली के स्वामी जी एगो कहानी सुनावा। कलन की कॉमन कहानी सुनाई हो, सुनबू तू तो कलन की? हाँ, कलन की हाँ सुनब। लगले कहानी सुनावे, यही बीच में माँ पार्वती जी के नींद लग गई। आज जब नींद लग गई है बाबू, ओ समय वही बीच में एक बुढ़ा धोती कुर्ता दाढ़ी मोछ रखले है आवत हुए, अपने पतोह के लिया के कपार पर गठरी रखले है। वही बीच में बुढ़वा के लघु शंका लग गई, कलेश की ए बेटी तू आगे बढ़ा, हम शंका सर शंका मिटाई के आवत है। इतना बात के जब सुन ले पतोहिया चल देलस गठरी धे देलन बुढ़ऊ, शंका के समाधान करो तो वही बीच में भोलेनाथ जी के मौका मिलल। कला की अब ऐसे अच्छा मौका मिली, इतना बात के सोच के एकदम हम सकल बुढ़वा का रूप बनाई के गठरी कपार पर लेके चल देना पतोहिया के लिए आई की। आ जब असली बुढ़वा के खुलल हो शंका समाधान कह के जब खड़ा भल देखलस निगाह उठाई की, तकलस की आय हो दादा, अरे हे कर देखा ई कहां ले आई गल बाबू, कौन हमारे पतोहिया के लिए आई के जात हुए। इतना बतिया के कहत बाबू फाल बढ़ाए के आगे आगे मैं एकदम मार भागत जात हुए। आ जब आगे गईलन तब तक से भैल का विरह शैली से भाव मिलल। झमेला में फसाई बतिया, तयो घर अड़भंगी रस रंगी कहिलन खेला। आए बाबू, जब आगे बढ़लन दोनों असली बुढ़वा नकली बुढ़वा में मैं एकदम पटकी का पटका झगड़ी झगड़ा होत हुआ। आ जब झगड़ा होता तो तर्ज लगल कैसे मास्टर, वही गीत बड़ी है पुरान गीत हुए, पहले कोई घरे लड़का पैदा होखा तो सोहर गावल जाए, तो हिजड़ा लोग ज्यादा जाए गावे बदे। सुनत हुआ न पंचदेव भैया, ओ समय का गीत है कैसे, अरे बाटे भुवर भुवर बार रे होरी लवा के, बाटे भुवर भुवर बार रे होरी लवा के। इधर दोनों बुढ़वन में पटकी पटका होत हुए, असली बुढ़वा नकली बुढ़वा के डाटा तकल सरे तय मानत ना हुए, एकदम बगाई गल हुए बहस गल हुए का बताओ तुम का। अरे डाटे बुढ़ा ललकार धारा सरावा के, डाटे बुढ़ा ललकार कि पहुंची के बुढ़ाऊ करे झपटी झपटा, अरे गठरी छोरे में भाई लपटकी पटका, अरे गठरी परेशान हुए। आखिरकार कले के है होश में हो जाए, गठरिया पतोहिया हमार दे दा। असली बुढ़वा के बात सुनो सुनत नकली बुढ़वा कलेश की, अरे हे कर देखा, हे कर देखा हो, इमानत ना हुआ बहसल चल जाता हुआ ना बोलने से, ऐसे ऐसे मत करा। इतना बतिया के जब नकली बुढ़वा सुनलस कलेश की है, होश में हो जा, हम अपने पतोह के लिए आए क्या होती गरली है समधिया ने हमार बुढ़िया गठरिया में देले हुआ। कले की का देले, वही बीच में राहगीर एगो जंगलवा में आए गयल। राहगीर लगल पूछे कलेश की काहे बदेता है तुम्हें अपने में झगड़ा कैले हुआ। आखिरकार राहगीर से नकली बुढ़वा बतौलेस कि हमार समधिनिया ओ गठरिया में ओ ओड़ी में देले हुआ 2 किलो खाजा।
एक किलो इमरती, दो किलो बतासा आ ना विश्वास हो तो जाए के तमाम तमाम चीज दे ले जाए के देख ला। असली बुढ़वा सोचे लगल कलेश की ओरी ही कर देखा। आखिरकार जब गठरी खोलायल ओड़ी खोलायल तो निकलल उहे चीज जौन की नकली बुढ़वा बतौले रहल। आखिरकार मैं पतोहिया परेशान है एकदम रोवत है हुए आंख से झरझर झरझर लोर बरसत हुए सोचत हुए कि आखिरकार ये दोनों बुढ़वन मिले असली बुढ़वा मर हुए कौन। यही बीच बाबू झगड़ा करत 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 गांव की ओर पहुंचलन। आ जब गांव की ओर पहुंचलन त असली बुढ़वा तुरंत आगे पहले घरे जात हुआ। आ जब घरे गल तब तक भइल का तर्ज लग गई। उहे गीत हो सुन लिया ध्यान से पंचदेव भैया। लाल पियर मुंह कई के सोजा बड़ुए खाड़ हरे लाल पियर मुंह कई के सोजा बड़ुए खाड़ रे चीन हाथ नहीं खोई दे वरहा की अरे चीन हाथ नहीं खोई दे वरहा की हवे भतार रे चीन हाथ नहीं खोई दे वरहा की असली बुढ़वा जाए के घरे अपने मेहरारू से बुढ़िया से लगल बतावे का कहले कि खारी खोटी सुनावे लगलू बात सुन के सार के खारी खोटी सुनावे लगल बात सुन के सार के चीन हाथ नहीं खई गहर ही देलू चीन हाथ नहीं खई गहर ही देलू अपना भतार के चीन हाथ नहीं खई गहर ही असली बुढ़वा जाए के सारी बात के बता दिले से बुढ़िया से कले से बुढ़ा तोहरे बुझात ना हुए सारी बात के बतौले असली बुढ़वा के पास में असली बुढ़वा नकली बुढ़वा जुटल हुआ तब तक से बुढ़िया आई ले मैं गाड़ी लगल देवे कलेस की है बुढ़ाऊ तोहरे बुझात ना हुए हमारे पतो के कैसे कौन बुढ़वा लिया आई के जात हो मैं एकदम मार यचरा उठा उठाई के गाड़ी दे थे हुआ कलेस की है कर देखा हो नकली बुढ़वा कलेस की करे तो मन भी ना मेहरारू है हमार पतोहियो है हमार बेटाओ है हमार गठरियो हमार है हुए आ तू तमन हम ही की गरियाव थई अपने भतार के अपने मरद के चिन्हत ना है इतना बात सुनलेस बुढ़िया कलेस की हाँ हो बुढ़ा उठी को तो कोले रला इतना बात के जब सुनलेस असली बुढ़वा के बात बुढ़िया ओ समय बुढ़िया सोचे लगल कलेस की ठीक हुआ नकली बुढ़वा लगल बतावे कि तो ही नकले रलू कि जहिया समधियाने तब पतोह के लिए यहाँ आ गाँव के पहले ही परी माई के मंदिर हुए आ पोखरा पर जाए कि बैठबुले रही है पतोह के लिए आई कि आई धार पिठार दे लेब तो घरे जाए इतना बतिया के कली तब तक से भइल का आल्हा में प्रमाण मिलल कैसे कि मृत लोकवा में शिवा कारी के झमेलावा ये बाबू मृत खेलावा खेली के फांसी कैल बारिया गाँव के चौधरी एगो घाड़ मा गवावला ये पंचो आधा घाड़ पानिया भर वावला ता बड़ार आए बाबू अपने में तकझक होता हुआ तब तक से गांव का चौधरी साहब आएगी ले कले की है इतना हल्ला ते तुरंत कहे के करत हुआ बात कहे हुए सारी बात के असली बुढ़वा बतावत है गई मैं हक्सल पियासल हो कच दिन गोड़े पर गिर गयल अपने थूथुन मुंह के फुटहू के ना डेरा थो चौधरी साहब कले की ऐसे ना झगड़ा फरियाई कले असली बुढ़वा तब कैसे फरियाई कले की जाए के कुम्हार के घरे ले गो घड़ा लिया वा और वो घड़ा में आधा घड़ा पानी भरल जाई जब आधा घड़ा पानी भरवाए देले कले की दोनों बुढ़वन के डांट के कले की जवन है बुढ़िया के असली मरद कहाई है के आधा घड़ा पानी में ओल के नहाई तब आखिरकार बाबू असली बुढ़वा कले की आय हो दादा इहो आयल चौधरी काहे के एक कुल बनाए देले हुआ गाँव वाला इहो लगत अब झमेला कह दहलस
ऐसे न फरियाई। आखिरकार बाबू सोचे लगले तब तक से नकली बुढ़वा मैं एकदम छतियावत छाती उतान करत हो, मैं बा फुलावत धोती का खूट पकड़ के टाइट हो। कलेश किया रे हम नहाइब घड़ीला में, इतना बात के सुनले वो समय तुरंत चटसन घड़ीलवा में ओलल हूं बाबू। तब तक से घड़ीलवा बंद कर देलन, आ जब बंद कैले हुआ तब तक भइल का आखिरी कड़ी में कहना हो। घड़ा में बंद पतित पावन झंक भोले जी लहरी, तो ढूंढ है नारद संग सावरी आऊ माजी सुंदरी। कि हेरत पहुंचे उसी गांव में जहां रहे शिवदानी, अरे कोई नर नारी देखला भैया, अरे ऐसा न मर्द सैलानी। तब पानी ढारी के नजरियो माजी सुंदरी। इधर माँ पार्वती जी का जंगल में जब नींद टूटल रोवत ही मैं एकदम आंख से नीर बरसत हुए आए गिले नारद मुनि नारायण 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 के जाप करत कले। अरे माता ही रोवत तू कहे के हो, बात कहे हुए सारी बात को बताती है। खोजत खोजत तो ही गांव में पहुंचला जहां की भीड़ इकट्ठा है। पूछला सारी बात मालूम भैले डांट कर कहते हैं कि गांव के लोगों कान खोल करके मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ए कोई असली बुढ़वा नकली बुढ़वा ना हुए, ये तीनों त्रिलोक के मालिक त्रिनेत्र धारी डमरू धारी भोलेनाथ जी हुए डमरू वाले। आखिरकार इस बात को सुनकर के गांव के लोग एक पैर पर खड़ा होकर की प्रार्थना अर्चना करने लगे। तब तक से भोलेनाथ जी दर्शन दिए और वहाँ की धरती वहाँ के लोग धन्य रह गए। आखिरकार कहना मैं कैसे गुरु बिहारी गुरुपत्तू जी हुए स्वर्ग के वासी। अरे ज्ञानी छह बर के महिमा, अरे कैले बुल्लू काशी। त झमेला में फसोई बतिया, त गाई का नीलम सिंह के सरगम रस रसीला। झमेला में फसाई बतिया, अरे वाह तैयार रही नीलम सिंह जी अपन गीत रुआ सबके सुनौली। पंचदेव पांडे जी के बुलाई इनके गीत का जवाब देस रुआ सबके बिरहा सुनाओ। एकरा पहले हमनी के लेवे के पड़ी छोटी मुकी ब्रेक। चैनल के वो कार्यक्रम में जोने कार्यक्रम का नाम रुआ सबे बताई ला के सिपाही के बचोर के घरा में बा कितना जोर अपन माटी अपन बल। रुआ सब देख रहल बानी बिरहा दंगल टू। अच्छा अपने बीच में जन हमनी के जज साहब लोग बानी जा हम सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। उपस्थित सब कलाकार बंधु लोग के प्रणाम बा। भोजपुरी गीत के सुनवैया लोग के हम पंचदेव पांडे के प्रणाम बा। आई हमरे साहब के आदेश भइल हास्यरस के गीत सुने खातिर, तो हास्यरस के गीत प्रस्तुत बा। तनि से स्वर दे के भैया उलट फेर करते ठल्लू जी बन गए नकली सोखा। उनके पर विश्वास जो करता खा जाता वह धोखा। जिन भैया ठल्लू पर विश्वास कैल उ गढ़िए में गैल ऐसा ठल्लू सोखा हुआ तब बिरहा में एक गीत हो
आय हाय बड़ा कहर कहर गावत रलुआ हो तो से एगो बात पूछत है नीलम कि अरे हे गोरी तोहरा के कैसन दर्द बा हे गोरी तोहरा के अरे का मिल गयल तोहर मौगा मरद बा हे गोरी तोहरा के कैसन दर्द बा लेकिन ठल्लू का काम रहल कि अरे दुखियन से मांगे पिया रोज दारू दुखियन से अरे चक्कर में फंस गई ला जगन बेचारू दुखियन से मांगे पिया रोज दारू अरे पड़ल बीमार जगन कयवरतिया अठल्लू सोखा जब देखला सुरतिया जगन भैया का मेहरारू एक दिन बीमार पड़ गई सजाव लगल पेट गड़े इल तीन देखा दा अठल्लू के बोला कोनो हेर फेर तना न ठल्लू सोखा जब देखला जगन बोके तो कहत भूत तो भीतर हवाल है कि अरे दारू के बात चाहे लागल में हरारू दुखियन से मांगे पिया रोज दुखियन से मांग ए भैया आज जब दारू लगल ना ठल्लू सोखा ना तो तनी जब दुई पैक लागल तब तो मिजाज गड़बड़ाए लगल है बिरहा में गीत बदल गिल हो वही गीतिया है कि अरे चिहुक जालू छुअले पर अरे चिहुक जालू छुअले पर अरे जालू पराए हो चिहुक जालू छुअले पर जालू पराए हो अरे रंग देबे अंग अंग जाइबू भेटाए हो चिहुक जालू छुअले पर जालू पराए हो चिहुक जालू छुअले पर जालू ठल्लू सोखा जगन से कहत हो कि अरे बुताई देता दिया हवा के जब दारू लगल तो कहत हो का कि अरे बुताई देता दिया हवा के अरे भूत भड़कत बाए हो बुताई देता दिया हवा के अरे देखी के या जोर भूत सामने न आवे रामा अरे रहत अनहार ता जात पकड़ाए हो बुताई देता दिया हवा के भूत भड़कत पाए हो बुताई देता दिया हवा के भूत भड़कत ए भैया कहत हुआ ए जगन हे दियवा के बुतादा भूतवा दुअरिया पर आवत है लेकिन अजोरवा देखा था तो भाग जात है तो उनका तो काम दूसर उनके मन में आई लहल तो बिरहा में तर्ज बदल गई कैसे भैया कि ऐसे फुलावा मत गाल माल तोहरा के दे बाय ऐसे फुलावा मत गाल अरे ऐसे फुलावा मत गाल माल तोहरा के दे बाय से चीज निकाल हर साल माल तोहरा के दे बाय लेकिन सोखा दिया नवा बुताय धाय दुलही के धैले अरे कैला सोरे दुलही धराई गैला सोखा आ गौआ के लोग मारे निगम अरे गौआ के लोग मारे मिलन लिक मौका अरे दे भाई के जियते जराय धाय दुलही के धैले दे भाई के जियते जराय गांव का लोग कहला है दुलहिया के जब अनहारे पौना तो जाके सरिया के धरते तो बाण दुलहिया कला सोखा हा मुंह फुकौना की का हरे इत सोखा ना लागत है एकर काम दूसर बा आ जब हुल्ला कैले से गांव के आदमी का अइले जुटला हा ए भैया का बात है दुलही कला सरे मुंह फुकौना सोखा बा की एकर नियत खराब बा गाँव के आदमी धले ना कला ए भैया एक जने कहत हुआ कलिया हमारो के कहत रहे कि दियवा बुता दे हम हूँ बुतौले रहो हमार वाली तो कुछ ना कहुए लेकिन बड़ा
दूसरी तरह जीव बड़ा अनकस रहुए तब गाँव के आदमी कहते हो तो ढेर आदमी के दिया बुत बोले मतलब कर गाँव के आदमी जीते बांध के लेके चल रहा कि सारे के फूक के मुआ देवे के मुआ के जीत चढ़ावे के कफनवा में डोले ठलुआ कफनवा में डोले ठलुआ अरे अर्थी सजा के सब ही राम नाम सत बोले कफन में बांध के राम नाम सत्य है यही सब की गत है लेके चल दी हल लोग ये बक चौर चौर के सारे बांधल बा वही में से मार दे तोरत बा लेकिन कौनोर से खुलते ना बाकी निकलो गांव का आदमी किनारे पहुंचना तो भाई का भैया बिदसिया अरे नदिया किनारे जा बु पहुंच गए लोग हवा तो गौआ में लागी गाइल आग हो लसिया जराए नहीं रख के किनारवा पर झटके से चले सब भाग गांव खत मिले के गई गंगा जी के किनारे के जरा दे जा आ जब वहां गई तो गौआ में आग लाग गई मार धुआं उठत बाद निकल भैया एक जरौला से पहले ओ आगे के बुतावल जरूरी बा वहां सदमी वो के रख के अपन गांव में भगल गई जाके आगे बुतावत हुआ ये नी बांधल छनल बा ठलुआ लेकिन जोगाड़ कोनो लगता है न बा बड़ा चाप के बांधल है विधा में गीत भैया वहा गीत बा कि अरे तीरे तीरे झिझिरिया खेलाइब तोहा के तीरे तीरे धीरे धीरे जब गौआ के आदमी चल गए ठलुआ देखत बा केहू ना बा तो धीरे धीरे कफन बंधन खोल ठल्लू धीरे धीरे कफनवा कबंधनवा धीरे धीरे खोल लेल से जब केहू ना भइल रहल तरे पनिया में बहत पकड़े कलसिया बाधे मार गईल मतिया फिर हवा से हो गईल गोल थल्लू धीरे धीरे हवा से बांध छान के बंधनवा खोल लेला सना जब खोल के बहरा निकल गई तो जोगाड़ लगौलस से वो पनिया में से लाश पकड़ के वही कफनवा में वही सही बांध दिया जब बांध के वहां से 9-2-11 हो गई गांव के आदमी अल तो भैल का बिरहा में गीत है अरे खिलाड़ी हम है पक्का छक्का हर पारी में मारब लेकिन अगिया बुताया लोग अले तब दाह संस्कार के कैले आगी बुता के लोग अलों के जनावे खातिर तो केहू कहता तनी एक बढ़नवा खोल के मुहवा एक देख लिया जा तो केहू कहता कि मुहवा खोलबा तो देखबा तो मोह लागे लागिए कि सारे के जीते जरावे के है बड़ा माल कटले है एक जीते जरावे के है ए भैया तो ओके जीते जरावत हो लेकिन ठलुआ तो उपाय कैल एगो लाश पकड़ के वही में बांध के वहां से फरार हो गई लहल तो हमारे बिरहा में भाव लिखल गई के मिलजुल मिलजुल ते रही कैल गौआ के लोग हो अरे स्वर्ग में ठलुआ लगावत होई भोग हो ये भैया खात पात में ठल्लू देखले कि दाह संस्कार के कैले गांव के आदमी ओकर दाह संस्कार करत हुआ सब लोग ओकर तेरही के दिने भोजन बैठ के करत हुआ तो एक जाने पंडित जी खात हुआ तो कहत हुआ इहवा तो निमन निमन खात है जा ठलुआ हो जा ठीक से खात हुई उहो नीके खात हुई अतौले वही पात में ठलुआ बैठल देखायगल उहो खात बा जानत रहल कि हे दिने तेरही परी आ गई बिरहा में पापट कि अरे पारा पारी देखे सब निहार ठलुआ भूत भयल अरे भागे लगले सब ही टंगरी झार ठलुआ भूत भयल
लेके लड़का भागे लगली घर घर में लड़कोरी कितने बुढ़वा भागत भागत डाले थे उन फोरी ठलुआ भूत भयल आशंका में नर नारी पड़े बीमार ठलुआ भूत भयल सब लोग भागे पराए लागल एक आदमी कहत हुआ ठलुए में तीन लागत हो कहत हुआ कि भैया हमहू तो देख तलिए शक होत रहल हा लोग भागे पराए लगल शंका में लोगन के जर बुखार बीमारी आ गई हो तबिरा में आल्हा लिखल गई है अरे गांव में हालत सबके बिगड़ल अरे गुनिया वाजा सो खाया कुटकन लगे लवंग घर घर में झोरा मुड़ी पचरा का सचमुच भूत भरल बा ठलुआ देवी हमको रही बता जीव का बदला जीव चाहिए पैसा के मुंह देखो ना खर्चा करे सभी स्वार्थ में अरे एक दिन ठल्लू गई ले ओझा लोग गांव में आके ओझाइती कर थुमा तो है ते तनी फर से जाकर जाकर लेकर के दह दारे टूट गई गोट लागे फाट गई सही हरे जे करे घरवा में ओझाइतिया हो थिया ए सोखा जी ठीक हो जाई ना का रहल ह अरे तो के ठीक से कम बक ओकर जल्ला बिना कौन काजबा जा ठीक हो जाई ठलुआ जब जलस की गांव का लोग ये सही बकरी मुर्गा कटवा के ससुरा बर्बाद हो जाई सो अब ये तो कुल बीमार झूठा न पड़त हुआ ठलुआ एक दिन गांव में आयल है चौधरी के गैल का कहलस अरे हंस के ठल्लू कहने लागे बतिया खरी 420 चोर बा दुनिया चेता हो चौधरी मुअल घोड़ा घास न खाई करबा लाख उपाय मरे आदमी के पीछे सब दौलत देत लुटाए तन्ना ही मिला पिंडा पनिया चेता हो चौधरी गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरु कारी स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी कफनवा में डोले ठलुआ पंच दे रामा कवि के कविता रहस्य खोले कफनवा में डोले ठलुआ जमन रस का हमारा जज साहब लोगन के फरमाइश रहल ओ रस के एकदम रस में भिगा भिगा के खूबसूरती से सुनौल हाँ बड़ा निक हमरा के लागल हा बड़ा निक रहुआ सबके लागल हा अब नीलम जी के भी हम मंच पर बुलाई जज साहब लोगन के सामने पेश करब लेकिन ले के पड़ी छोटी मुखी ब्रेक चैनल के वो कार्यक्रम में जेके बड़ा प्रेम से रहुआ सबे कहिला के सिपाही के बचोर अरे केकरा में बा केतना जोर अपन माटी अपन बल रहुआ सब देख रहल बानी बिहार दंगल टू जज साहब लोग भी तैयार बानी रहुआ सबे भी तैयार बानी हमार कलाकार लोग भी तैयार बा अब जज साहब की अदालत में और जनता की अदालत में अपना कलाकार लोगन के हम लेके चलत बानी सबसे पहले हम बागी घराना के सरदार परशुराम जी से जानल चाहतनी बताई दोनों कलाकार लोग के गीत रउआ के कैसे लगल बारे पंचदेव पांडे जी हास्य रस का प्रस्तुति श्रोता लोगन के देखवैया भैया लोगन के जितना कल्पना ना रहल है उसे अधिका हास्य रस का प्रस्तुति तू कैल गा के शब्द से भी आ प्रदर्शन से भी कोनो कमी ना रहल हास्य रस में नीलम सिंह भी अच्छा गौली है उनके बिरहा में हास्य रस रहल है लेकिन प्रस्तुति आ प्रदर्शन का अभाव रहल है एक बात जरूर हम कहब जज साहब विद्रोही घराना के जज साहब से यहाँ का पहले बोल गईली हँ कि हमारी ओर से जई हँ नीलम सिंह गई हँ गाना आ बागी घराना के गवैया के चबवा दी हँ चाना बाकी देखला में आ सुनला में ही लागल है कि हमार गवैया इनका गवैया के धरा दिल से बिरहा कर लोहबाना तो ई बागी घराना के जज साहब अपन फैसला आशीर्वाद के तौर पर देनी है विद्रोही घराना के सरदार से हम पूछल चाहत बनी सुरेंद्र जी रउआ बताई वाह 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 क्या बात है पंचदेव पांडे
बढ़िया बिरह गौल हासरस के, नीलम सिंह भी हासरस के बढ़िया बिरह गौली है। बागी घराना के जस आप कहला कि जवन अदायगी जवन भाव पंचदेव में रहल उ नीलम सिंह में ना रहल। हर गवैया के अलग अलग भाव बा, गावे के अलग अलग तौर तरीका बा, लेकिन लड़की जब अचरा उठा के तनकी सा बतौलस कि बुढ़िया के तरह अपनी मरद के कहलस, उ भाव लड़की के बहुत बढ़िया लागल कि मेहरारू के तरह झगड़ा करेली। हमरा बीच में उपस्थित निष्पक्ष न्यायाधीश के कुर्सी पर विराजमान बानी श्री प्यारेलाल कवि जी, रउआ के कैसन लगल है दोनों लोग का गाना? दोनों लोग का गाना अपने अपने कथानक के अनुसार ये लोग अपन प्रदर्शन कैले हैं। एक्टिंग गाना के जितना भाव रही उतना आदमी एक्टिंग करी। ओझा के रोल में यही कैले हैं, एगो औरत के रोल में यही कैली हैं। दोनों जाने का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। हमारा शुभकामना है लोग के साथ में। तो इस तरह ही निष्पक्ष न्यायाधीश के कुर्सी पर विराजमान मशहूर गीतकार प्यारेलाल कवि जी। काशीनाथ जी, रउआ बताई, रउआ कैसन लागल? रोआवल केहू के बहुत आसान होला, लेकिन हंसावल बड़ा मुश्किल होला। रजनीश लिखले हुवन कि आदत कबो छूटे लेना, जौन छूट जाले वो आदत ना। बारा बंकी गए तो एक आदमी भाषण दिया, जब हम राजनीति में प्रवेश करते हैं करके और भाषण देते हैं करके, तो उसके बाद जनता ताली बजाना शुरू कर देती है करके। और जब हमसे पार्टी ऑफिस पर मिला तो कहा हमें पहचानते हैं, हमने कहा कि बारा बंकी में हम आपसे मिले थे करके। तो भाई रुलाना आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है। हम इन दोनों कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने हास्यरस का बहुत अच्छा गाना प्रस्तुत किया। और हम श्रोता बंधुओं से कहेंगे कि लगातार बिरहे को प्रसारित करने में अपना कर्तव्य समझें। ईवानी मशहूर लोकगीत गायक विधान परिषद सदस्य श्री काशीनाथ यादव जी, हमारे चारों जज साहब लोग अपन अपन आशीर्वाद के तौर पर जजमेंट फैसला सुना दिहल। अब हम चलतानी दुनिया के सबसे बड़ी अदालत में, जनता का अदालत, जेकर फैसला भगवान का फैसला मानल जाला। सामने स्क्रीन पर कई तरह प्यार देते रहें, दुलार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें हमने के एकदम पानी दरुआ सबके बीच में। लेकिन सेमीफाइनल के यही एपिसोड के यही जब विराम देवे के वक्त आ गेल बा, जाए के मन नहीं करत लेकिन जाए के पड़ी। आशीर्वाद देव सभे दी, आशीर्वाद, प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि, सब बखैर, हर हर महादेव, पप्पा भोले, ऐसा संगीत।